नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकवादी हमला। पाकिस्तान के पेशावर स्थित एक आर्मी स्कूल पर मंगलवार को भीषण आतंकवादी हमला हुआ। तहरीके तालिबान के इन आतंकियों ने 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। सेना की वर्दी में स्कूल में घुसे इन आतंकवादियों की संख्या 6 से 8 बताई गई है। सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं दूसरी ओर तहरीके तालिबान के प्रवक्ता ने इस हमले को उत्तरी वजीरिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई का बदला बताया है। भारत से बाहर गया 28 लाख करोड़ रुपए का काला धन। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की भारत की कोशिशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था ने कहा है कि देश से 10 साल में करीब 440 अरब डॉलर अवैध धन बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2012 में ही अनुमानित तौर पर 6 लाख करोड़ रुपए की गैरकानूनी संपत्ति देश से बाहर गई। काले धन के मामले में भारत चीन और रूस के बाद 3rd नंबर पर है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी द्वारा जारी ताज़ा अनुमान के मुताबिक भारत से 2003 से 2012 की अवधि में कुल 28 लाख करोड़ रुपए की गैरकानूनी राशि बाहर गई। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से हो सकती है पूछताछ। पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की कथित संलिप्तता वाले मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा अन्य के बयान दर्ज करे। उल्लेखनीय है कि घोटाले के समय वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था। मामले में दाखिल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अन्य अधिकारियों के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान भी दर्ज किए जाएं। शीतलहर से उत्तर भारत ठिठुरा। बर्फबारी, बारिश और शीतलहर के कारण उत्तर भारत में हाड़ कपाती ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे की वजह से रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।